थानाबाह क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं। थाने पर सुनवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष वहां को रिपोर्ट लिख विवेचना के आदेश दिए हैं। बाह थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश अदालत ने दिए हैं। एसटीडी तिराहा बाह के रहने वाले रामवरन ने सीजेएम की कोर्ट में अपने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रार्थी का पुत्र मनजीत 21 नवंबर 2023 को रात करीब 9 बजे विक्रमपुर तिराहा स्थित मैरिज होम में दावत खाने गया था, लेकिन रात को घर नहीं पहुंचा। परिजनों को चिंता हुई। दूसरे दिन उसका शव घर से कुछ ही दूरी पर प्लॉट में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत का कारण स्पष्ट हुआ था। प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि उसके पुत्र की हत्या की गई है। वह सुरंगनुमा गड्ढे में कैसे पहुंचा और उसकी मौत हुई, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थी के कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने पर सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष बाह को अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कहा है कि बिना ठोस सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।